यूपी के बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और जिलाध्यक्ष ने बताया, देश में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने हेतु प्रवर्तन निदेशालय CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। देश में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित एवं जनहित में विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रही है, जिसमें विशेषकर गांधी परिवार, जिसका इतिहास देश की आज़ादी से लेकर देश के हित में बलिदान, त्याग, तपस्या, संघर्ष का रहा है, इसलिए उनकी छवि देश विदेश में ईमानदार वफादार नेताओं में शुमार की जाती है। भाजपा व RSS को सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आमजन में बढ़ती लोकप्रियता तथा आमजन के भूतमूल मुद्दों पर खुलकर बोलने से भाजपा की केंद्र सरकार में बैठे शीर्ष नेताओं को जनहित में उठाई जा रही विपक्ष की आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, जिससे परेशान होकर केंद्र सरकार ने बेवजह अनेकों प्रकार से बार बार ED, CBI जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनकी छवि को खराब कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, हमारे विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा नहीं लगता। जनहित के मुद्दे अच्छे नहीं लगते। जब महंगाई पर राहुल गांधी जी संसद के अंदर खड़े होकर हमारे तमाम सांसद जब बात करते हैं, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से इस देश के मुद्दों को जलन तरीके से इसको आईना दिखाने का, भारत की सरकार कुछ आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इसको रास नहीं आता। हमारे नेता राहुल गांधी जी को आपने देखा, ED के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी नेता कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार 3 दिनों से ED बुला रहा है और उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है इस देश के अंदर कि हमारी संपत्ति, हम उस संपत्ति के मालिक, और हम ही पर उसका भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आंदोलन करें, और उन्हीं का, इंदिरा गांधी का पोता है राहुल गांधी जी, इन तमाम चीज़ों से डरने वाला नहीं है। इस देश के किसान की आवाज़ उठा कर रहेंगे, इस देश के नौजवान की आवाज़ उठा कर रहेंगे, चाहे ED और CBI चाहे कितना भी जोर लगा लो, और तमाम हमारे नेताओं को चाहे जेल भेज दो, तमाम नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिस तरीके से ED के नाम पर प्रताड़ित करने का ये झूठा खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तमाम लोग यहाँ सत्याग्रह पे हैं, लगातार हमारा सत्याग्रह जारी है, और ये सत्याग्रह जब तक चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोकतंत्र की हत्या बंद नहीं करते। हम कहना चाहते हैं, आप मुद्दों की बात करिए, महंगाई पर आकर बात करिए, जो महंगाई गैस सिलेंडर जो हमारे ज़माने में 350 का बिकता था, आज वो 1000 का पार हो गया है। डीजल का रेट आप देखिए आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है, किसानों का, हमारे तमाम FSP के जो रेट की बात करते थे, हमारे किसानों की फसल नहीं बिक पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना चाहिए, देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, इस पर बात नहीं करते। और ED और CBI को लेकर आपने जिस तरीके से देखा, प्रताड़ित करने का प्रयास और विपक्षी दलों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कोने कोने पे खड़ी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस आवाज़ को दबने नहीं देगा, और हमारे कांग्रेस के नेता ये सत्याग्रह करते रहे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।